एक नंबर पिक्चर है, दूसरा पार्ट आएगा। क्या बात है, कैसी लगी मूवी? सुपर सुपर। कैसी लगी मूवी? एक नंबर, बहुत फास्ट। प्रभास सर, एक नंबर, बहुत अच्छी है भाई मूवी, बहुत अच्छी है। फाइट की बंगार है, बाकी सलार एकदम बाप है। हाँ भाई, कैसी लगी मूवी भाई? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी भाई। कैसी लगी मूवी? एक नंबर भाई, बढ़िया भाई। भाई बोरिंग मूवी है भाई। सुपर। कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी है। अरे बहुत बढ़िया थी भाई, एक नंबर। अच्छी अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी। सुपर हिट, सुपर हिट। कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी भाई। सर कैसी लगी मूवी? बहुत सुपर है। कैसी लगी? सुपर है भाई। भाई कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत। सर कैसी लगी मूवी? भाई लगी अच्छी भाई। सर कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत है, सुपर सुपर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत। कैसी लगी मूवी? मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड? हाँ, केजीएफ को टक्कर देने वाली मूवी। केजीएफ को टक्कर देगी? जी जी बिल्कुल। सर कैसे लगा आपको? बहुत बेहतर लगा। एक्शन मूवी का कैसा लगा आपको? मूवी का एक्शन तो एकदम फाड़ू था, बोले तो एकदम फाड़ू। पैसा वसूल? बहुत पैसा वसूल। अरे गान फाड़ू पिक्चर है लगे भाई, एकदम। कैसी लगी मूवी? Crazy movie, loved it. क्या बात है? बहुत बहुत इंटेंस एक्शन, मतलब मजा आ गया। मजा आ गया जेन्युइनली। रॉकी भाई के बारे में क्या कहोगे आप? किसके बारे में? प्रभास सर, प्रभास सर। बहुत प्यारी एक्टिंग करी है, और ने जो ट्विस्ट और रोलर कोस्टर मूवी के अंदर रोलर कोस्टर ट्विस्ट है, उनका कोई लेवल ही नहीं है। मतलब क्या काम किया। एक्शन तो बेस्ट होता ही है फिर साउथ इंडियन मूवीज का, तो वो ये बिल्कुल हमेशा की तरह। केजीएफ देख लो, आरआरआर देख लो, सबके एक्शन सही होती है, यही होती है। बहुत बढ़िया डायरेक्शन रहा है। मैंने जो उनकी बाकी मूवीज केजीएफ वगैरह है, बहुत प्यारी प्यारी मूवीज बनाई है साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने, ये बहुत अच्छी मूवी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड, 5/5 दूंगा मैं तो। सुपर, बहुत अच्छी। प्रभास सर कैसे लगे? एक्सलेंट। एक्शन मूवी का कैसा? एक्शन सुपर, सुपर। पैसा वसूल? पैसा वसूल, बहुत भारी थी, बहुत भारी। प्रभास के लिए एक्शन कैसा था? बहुत भारी था भाई एक्शन। हाँ भाई, भाई मस्त लगे, मस्त लगे। एक नंबर मूवी है भाई। कैसे लगे भाई? एक नंबर है भाई। प्रभास ने कमबैक किया बोल सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा पिक्चर था, मजा आ गया, मजा आ गया। एक नंबर, सबसे अच्छा, सब सीन अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। प्रभास कैसे लगे सर? कैसी लगी मूवी? मैम कैसी लगी मूवी? अच्छी, बहुत सही। एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो लाजवाब है, लाजवाब। प्रभास सर एक नंबर, एक नंबर। पैसा वसूल? पैसा वसूल, एक नंबर मूवी भाई, एक नंबर मूवी। कैसे लगी मूवी? चक्कास मूवी, ऐसा मूवी होता नहीं है यार, मजा आ गया। क्या है, बढ़िया है। हाँ पैसा, मतलब पूरा 100% पैसा वसूल, पैसा वसूल पूरा यार। मास्टर कम बैक हो गया आज, ये साल में सबका कम बैक हुआ, तो बाहुबली का भी कम बैक हो गया, जबरदस्त यार। मैंने मास्टर पीस है। और एक्शन तो है, लेकिन एक्शन से ज्यादा आई थिंक स्टोरी टेलिंग जो है इस फिल्म का, वो जबरदस्त है, और इंजॉय हुआ और एंगेज करके रखा, इमोशन बहुत अच्छा रखा है। दोनों की बॉन्डिंग कैसी लगी, दोस्ती का बॉन्डिंग? बहुत सालों के बाद ऐसी दोस्ती पर फिल्में आई है, हम लोगों ने तो बनानी छोड़ दी। तो बहुत अच्छी है इसकी राइटिंग, बहुत अच्छी है बैकग्राउंड स्कोर, और बहुत वक्त लेकर फिल्म को बनाया गया है, तो देर आए दुरुस्त आए। प्रभास अच्छा लगा, पूरा पैसा वसूल। एक कुछ कुछ ऐसे सीन थे वहीं पे पैसा वसूल हो गया, मजा आ गया। रेटिंग क्या होगी आपके पास? अरे 5/5 है, जबरदस्त पैसा वसूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे लगी आप लोगों को? कैसे लगी भाई मूवी आप लोगों को? कैसे लगी सर? क्या मूवी मजा मजा है बोला देखने का, जबरदस्त। प्रभास सर यार मॉन्स्टर है, क्या बोल रहे, स्क्रीन प्रेजर तो तुमको मालूम ही है, पूरा ऊपर से नीचे खोल के रख दिया यार। अभी अपने को 3-4 साल के बाद में हिट मिली है, ये कमबैक है प्रभास सर का, ये बता सकते हो? प्रभास सर का कमबैक इसी बात पक्की। क्या बोलते हैं, एक्शन सीक्वेंस, एलिवेशन, सब तो पूरा खोल के रख दिया यार। रोशन डेल को तो अपन जानते ही है केजीएफ के टाइम से, कैसा बिल्डअप देने का, कैसा पूरा एक पूरा माहौल बना के रखने का, उसके बाद में खोलने का, वो तो मतलब दबा के रखा था, लिमिट करके रखा हुआ था, एक टाइम के बाद खोल के रख दिया भाई ने। बॉन्डिंग कैसी लगी आपको सुकुमार और प्रभास सर की? ये पृथ्वीराज की और प्रभास की बॉन्डिंग जबरदस्त थी भाई। स्टोरी के बारे में क्या कहोगे? स्टोरी यार भाई इंटरनेशनल लेवल का चीज़ है, जो हिसाब से पूरा वर्ल्ड बनाया उसने कांसार का, पूरा इंटरनेशनल लेवल का चीज़ है भाई, पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसा पूरा बना के, पूरा इतना राजनीति चल रहा है उसके अंदर भाई, वो उतना कैरेक्टर
तरह से लिखना, उतना सोचना, एक अलग उसने देश बना दिया अपना, वो सब भाई करना छोटी मोटी बात नहीं है मेरे को ऐसा लगता है। वो लोग भगवान लोग है भाई, राजा मौली, प्रशांत नील, ये लोग का नाम इंडियन मूवी इंडस्ट्री के टॉप पे लिखा जाना चाहिए, वो लोग भगवान लोग है भाई। मैं आज के डेट में किसी भी मूवी का जो सीक्वल आ रहा है जैसे पुष्पा 2, KGF 3, और अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ तो मेरे लिए सलार 2 सबसे ऊपर रहेगी, मतलब मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सलार 2 के लिए। डंकी को कितना टक्कर देगी? डंकी भी देखी कल मैंने, डंकी भी अच्छी थी, लेकिन क्या है, डंकी भी देखी, डंकी अच्छी है, डंकी अपनी जगह पर, जॉनरा अलग है, वो फील गुड मूवी है, वो भी अच्छी लगी हम लोग को, ये अलग मूवी है, ये एक्शन है, पूरा एक्शन ड्रामा है, वो अपना थोड़ा सा वो फील गुड टाइप का मूवी है, तो दोनों अलग है, तो अपने अपने जगह पर दोनों चलेगी, दोनों के ऑडियंस अलग है, वो थोड़ा क्लास क्लास मूवी है, मास मूवी है, तो दोनों का ऑडियंस अलग अलग ही है। तो एंड में रेटिंग क्या होगी सर आपकी? मैं 4 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच। उसमें हार्डी हार्ड बिग बॉस में मचाएगा ये प्लस। ओ किसको सलार को भाई बर्बाद करो।